हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। देख लीजिए, ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखे हैं और इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखे हैं। आर्म होल की भी 5.5 ही है। 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए 2.5 पे मार्क कर दिए। नीचे के साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो देखिए 10 इंच रख रहे हैं। मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ कर देंगे। गले की डिज़ाइन का मैं मटका शेप में रख रही हूँ, तो मटका शेप में डिज़ाइन का मार्क कर दीजिएगा। अब जैसे गले की मार्किंग के सेम उसी तरीके से कटिंग भी करेंगे। तो ये अस्तर भी गले की कटिंग कर दिया है। इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी भी देखिए सेम कटिंग की है जैसे अस्तर का किया है। दोनों को बराबर में रख देंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे गले की मैं देखिए स्टिचिंग करी। इस तरीके से अस्तर और ब्लाउज़ को मिलाते हुए प्रॉपरली स्टिच कर लीजिएगा। तो गले की स्टिचिंग हो चुकी है। इस पर छोटा छोटा कट लगा लेंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। तो पूरे गले पे मैंने कट लगा दिया। इसको पलट कर सीधा कर देंगे तो ये गला देखिए सीधा हो चुका है। इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरे गले की फिनिशिंग कर देंगे। तो क्लियर, आप वीडियो में देख रहे हैं मैं गले की फिनिशिंग किस तरीके से कर रही हूँ। ऐसे कर दीजिएगा, इससे गला बिल्कुल परफेक्ट शेप में दिखने लगेगा। तो ये मैंने गले की स्टिचिंग करके आपको दिखाई है। ब्लाउज़ की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे अस्तर कपड़े को बराबर रखते हुए। इसके साइड से पूरा सिलाई लगाते हुए इसको प्रॉपरली अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ में। तो देख रहे हैं आप मैं कैसे इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर रही हूँ। तो कम्प्लीटली देखिए पूरा अटैच मैंने कर दिया है साइड से। इसको नीचे के साइड से इसमें टक्स लगाना है तो माप लेंगे और दोनों साइड से माप लेते हुए टक्स को लगा देंगे। तो मैंने एक साइड से टक्स को लगा दिया है। इसी तरीके से दूसरे साइड से माप लेंगे और टक्स को लगा देंगे। तो दोनों साइड से टक्स लग चुकी है। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे तो ये अस्तर का एक पट्टी कट के इसको बराबर रखेंगे नीचे के साइड से पूरा और सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे ब्लाउज के साथ में। तो ये कम्प्लीटली ब्लाउज के साथ में अटैच कर दिया। इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग कर देंगे। अब ये पट्टी जो स्टिच की इसको डबल फोल्ड करने और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए पूरा नीचे का सिलाई लगाते हुए बॉर्डर बना देंगे। तो आपको ये समझ में आई होगी मैंने ब्लाउज का बॉर्डर किस तरीके से बनाया। तो ब्लाउज के गले पे डिज़ाइन करना है तो इसको साइड रखते हैं और डिज़ाइन करने के लिए जो इस पर मैंने एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी की चौड़ाई देखिए 1.7 इंच है। इसको पहले दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में इसको बराबर में फोल्डिंग करते नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए एक साइड से इसके पूरा स्टिचिंग कर देंगे इसकी। तो ये देखिए ये पट्टी एक साइड से मैंने पूरा सिलाई लगाते हुए अटैच कर दिया है। दूसरे साइड से भी इसके सिलाई लगाते हुए इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। अब जो ये पट्टी मैंने आपको बना के दिखाई है इसको डिज़ाइन बनाने के लिए कट करेंगे। तो 1.5 इंच की लंबाई पहले इस पर माप ले लेते हैं और 1.5 इंच के बराबर इसमें जितने पार्ट्स है उसको फोल्ड कर देंगे। सबकी लेंथ 1.5 इंच ही होनी चाहिए। ये फोल्डिंग हो चुकी है, इसको कटिंग करके अलग अलग कर देंगे सबको। तो इसको दो पार्ट में मैंने कट करके सबको कर दिया है। ये जो डिज़ाइन इसको साइड रख के देखिए ब्लाउज ले लिए हैं। अब ब्लाउज़ के गले पे इसका लूप्स बनाते हुए फिर गले के नीचे के साइड से रखेंगे और अटैच कर देंगे ब्लाउज के साथ में सिलाई लगाते हुए। इसको तो देख रहे हैं मैं इसको सिलाई लगाते हुए कैसे अटैच कर रही हूँ। ऐसे पूरा सिलाई लगाते हुए अटैच कर लीजिएगा। तो लूप्स के बीच में मैं गैपिंग भी रख रही हूँ। इस तरीके से लूप्स के बीच में गैपिंग भी रखना है और पूरे गले पे ऐसे गैपिंग रखते हुए इसको बनाएंगे। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे गले पे ये लूप्स लगाते हुए दिखा दिया है आपको। अब इसको डेकोरेट करना है गले को तो लेस लिए, लेस को बिल्कुल बराबर रखेंगे गले पे और सिलाई लगाते हुए पूरे गले पे अटैच कर देंगे लेस को।
तो ये देखिए लेस की स्टिचिंग पूरे गले पे हो चुकी है। अब इसको डेकोरेशन को जो लूप्स को डेकोरेट करना है तो इसको साइड रखेंगे ब्लाउज़ को। और ये दो फैब्रिक मैंने स्क्वायर में कट किया और डोरी ले ली है। अब डोरी के दोनों कॉर्नर से जो ये फ्लावर इसका बना के लगाएंगे फैब्रिक से। तो कैसे मैं लगा रही देख लीजिए, इसी तरीके से स्टिचिंग करते हुए इस फ्लावर को पूरा अच्छे से लगा लीजिएगा डोरी के कॉर्नर से। तो ये स्टिच हो चुका है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालने के बाद इसे पलट कर सीधा करेंगे, ऐसे दूसरा भी बना देते हैं। तो ये दोनों बन चुका है, इसको साइड रखेंगे। ब्लाउज़ ले लिए हैं और ब्लाउज़ के गले पे इसको डोरी को जो है डालेंगे। तो जितने लूप्स बने हैं लूप्स के मिड से इसको बीच से बिल्कुल डालते हुए डोरी को निकाल देंगे दूसरे कॉर्नर पर। ऐसे दूसरे साइड से भी डाल देते हैं। तो मैंने ये दोनों साइड से डोरी डाल दिया, यहाँ से बांध लेंगे डोरी को। तो ये देखिए कंप्लीट है ब्लाउज। ब्लाउज को साइड रखेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे अंदर का। तो ये मैंने ये देखिए मैंने बकरम कट किया जिसकी लंबाई रखी है 5.5 और चौड़ाई रखी है 3.5 इंच। ऐसे ही मैंने फैब्रिक कट किया है ब्लाउज़ का और ये अस्तर ले लिया है। तीनों को पहले बराबर रखेंगे, अस्तर फैब्रिक उसके ऊपर बकरम रख देंगे। तो देख लीजिए अब इसके साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग करेंगे। एक साइड से छोड़ दीजिएगा और 3 साइड से इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए कंप्लीट मैंने इसे पूरा दोनों बना दिया। इसके कॉर्नर को कट करके निकाल देंगे। दोनों को कॉर्नर को कट करने के बाद इसको पलट कर सीधा करेंगे, ऐसे दूसरा भी कर देंगे और कॉर्नर को प्रेस करते हुए सीधा कर लीजिएगा। तो ऐसे दोनों को सीधा करने के बाद ये लेस लिए, लेस को इसके साइड से लगाते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए डिज़ाइन बन चुके, ऐसे दूसरा ही बना देंगे। तो दोनों को सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। तो ये दोनों बन चुके, इनको साइड रखेंगे और ये लूप्स ले लिए हैं। अब लूप्स को इसके ऊपर से लगाएंगे। तो देखिए जो ये साइड का इसके है इस पर हम लूप्स को डबल फोल्ड करते हुए बीच में गैपिंग रखते हुए फिर लगा देंगे। ऐसे दूसरे पर भी लगा दीजिएगा। तो दोनों ये बन चुकी हैं, इनको साइड रखी है, पट्टी कट की है। इस पट्टी की चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई जो 2.5 इंच रखी 2.5 इंच, इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग हो चुकी है, अब इसका फ्रिल बनाएंगे। तो देख लीजिए वीडियो में आपको क्लियर समझ में आएगा मैं इसका फ्रिल कैसे बना रही हूँ, ऐसे बना लीजिएगा। तो ये देखिए पूरा फ्रिल बन चुका है इस पट्टी पे। अब इसको जो है साइड रख के डिज़ाइन लेंगे। अभी जो मैंने बकरम वाली डिज़ाइन बनाई उसको ले लेते हैं और उसके साइड से इसको स्टिच करना है। तो देख लीजिए मैं कैसे साइड से स्टिचिंग कर रही हूँ इसके, इसी तरीके से कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कट करेंगे फैब्रिक और उसको अंदर की साइड फोल्ड करते फिर सिलाई लगाएंगे। ऐसे दूसरे साइड थोड़ा सा अंदर की साइड फैब्रिक को फोल्ड करते फिर सिलाई लगा दीजिएगा। तो ये देखिए एक डिज़ाइन मेरी ये बन चुकी है, ऐसे दूसरा भी बना लेते हैं सेम। तो दोनों बना लिया है, अब डोरी ले लेते हैं और डोरी के साथ में इन दोनों को अटैच करेंगे। तो यहाँ से डोरी को क्रॉसिंग क्रॉसिंग करते हुए फिर इसको देखिए एक दूसरे से मिलाते हुए जिस तरीके से मैं डाल के दिखा रही हूँ इस तरीके से रिबन डाल दीजिएगा पूरा। तो ये डोरी को देखिए मैंने फिट कर दिया, इसमें दोनों साइड से इसके फ्लावर बना देंगे डोरी के कॉर्नर से। ये फ्लावर लिया है, फ्लावर को फोल्ड करते हुए फैब्रिक को क्रॉसिंग में फिर दोनों कॉर्नर से फ्लावर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये फ्लावर एक पे बन चुका है, इसको पलट कर सीधा करेंगे, इसे दूसरे भी बना देते हैं सेम। तो दोनों का बना लिया है। अब ये जो डिज़ाइन है इसको ब्लाउज के साथ में अटैच करना है। तो ब्लाउज ले लेते हैं और दोनों को बराबर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए दोनों को साथ में अटैच कर देंगे। तो एक साइड से अटैच करके दिखा है, दूसरे साइड से भी ऐसे कर दिया है, इसको बांध लेंगे बढ़िया से।
ये देखिए मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन सर जो ऐसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।